अब देखिए हीरो फ्यूमी उजावा, ये जापानीज इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने ये कहा कि जो हिग्स ने कहा है ये न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है। इन्होंने हिग्स के न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस को न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस माना ही नहीं, समझिए आप। इन्होंने ये कहा, हिग्स ने जो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस का कंसेप्ट दिया है, कायदे में ये न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? इन्होंने कहा हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इज इक्विवेलेंट टू फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग, यानी कि ये न्यूट्रल नहीं है और ये इक्वल है फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग के। अब फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस दो तरह का हो सकता है, वो लेबर ऑग्यूमेंटिंग भी हो सकता है और वो कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग भी हो सकता है। मींस हीरो फ्यूमी उजामा वांट टू से दैट देयर इज नो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस एज हिग्स इज सेइंग, बट हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इज फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस दैट मे बी लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस एंड दैट मे बी कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस। अब इन्होंने ये कहा है कि जो हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है वो लेबर ऑग्यूमेंटिंग भी हो सकता है, वो कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग भी हो सकता है, वो फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग है, वो न्यूट्रल नहीं है। फिर आगे इन्होंने कहा कि जो हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है वो ये इंप्लाई करता है, वो ये कहता है कि हम प्रोडक्शन फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, ये फॉर्म में पहले ही बता चुका हूं आपको, और इसको या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तो जो हमारे हिग्स का क्लासिफिकेशन था वो खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं हेरड के क्लासिफिकेशन को। देखिए हेरड का जो क्लासिफिकेशन है वो हिग्स के क्लासिफिकेशन जैसा ही है, यानी कि उसमें कोई खास चीज नहीं है। हेरोड्स क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निकल चेंज वो वैसा ही है। इनके अकॉर्डिंग भी जो लेबर से सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस है वो यही है, DSDT मोर देन जीरो, और एस की वैल्यू वही है जो हमारी हिग्स के क्लासिफिकेशन में थी। क्या थी हिग्स के क्लासिफिकेशन में? ये थी हमारी R अपॉन K एंड W अपॉन L। तो देखो इकोनॉमिक्स में होता है, एक चीज को समझे बिना ना आप दूसरा नहीं समझ सकते हो। हेरड का क्लासिफिकेशन उसी को समझ में आएगा जिसने हिग्स का समझ रखा है, और ऐसे ही हेरड का क्लासिफिकेशन हिग्स के जैसा ही है। कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस होगी अगर ये लेस देन जीरो हो जाता है, और न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होगी अगर ये DSDT जीरो हो जाता है। तो फिर आप कहोगे जब सब कुछ हिग्स के जैसा ही है तो फिर इसका क्या है? हाँ, इसकी एक चीज है, हिग्स ने तो माना था कि जो हमारा कैपिटल लेबर रेशो है वो कांस्टेंट है, बट हेरड ने ये नहीं माना। हेरड ने कहा है कैपिटल आउटपुट रेशो कांस्टेंट है। तो आप ये जब एग्जाम में लिखोगे, इसको लिखने से पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जब भी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू हेरोड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कॉन्स्टेंट, यानी जो कैपिटल पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कॉन्स्टेंट माना है हेरोड ने। इन दिस कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नेशनल प्रोडक्ट, इन दिस कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नेशनल प्रोडक्ट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल विल बी कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो टोटल प्रोडक्ट को हम लेबर और कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो कांस्टेंट रेट पे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। और आगे लिखिएगा हेरोड एज्यूम्ड कैपिटल आउटपुट रेशो इज कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद ये सब लिख दो कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप एक और बात,
हेरल्ड के क्लासिफिकेशन पे कमेंट करा रॉबिन्सन ने, हिग्स के क्लासिफिकेशन पे तो कमेंट कर दिया था उजावा ने, और हेरल्ड के क्लासिफिकेशन पे कमेंट कर दिया मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने। अब रॉबिन्सन ने ही सिर्फ कमेंट करा नहीं, उन्होंने ज्योमेट्रिक प्रूफ भी दिया। वो ज्योमेट्रिक प्रूफ फिलहाल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट इज बियॉन्ड द सिलेबस, बट मैं आपको बता देता हूं उनका कमेंट क्या था। उन्होंने ये माना कि हेरल्ड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस भी न्यूट्रल नहीं है, हेरल्ड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस भी न्यूट्रल नहीं है। आप लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मिसिस जॉन रॉबिन्सन, अकॉर्डिंग टू मिसिस जॉन रॉबिन्सन, हेरल्ड्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, अकॉर्डिंग टू मिसिस जॉन रॉबिन्सन, हेरल्ड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इज इक्विवेलेंट टू, अकॉर्डिंग टू मिसिस जॉन रॉबिन्सन, हेरल्ड्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इज इक्विवेलेंट टू लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस। यानी कि मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि हेरल्ड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस न्यूट्रल नहीं है, बल्कि कैसा है, लेबर ऑग्यूमेंटिंग है। एंड इन द सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट शी हैज गिवन ए ज्योमेट्रिक प्रूफ, उन्होंने ज्योमेट्रिक प्रूफ दिया। अब एक और बात है कि जो हमारा हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है और जो हेरल्ड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब होंगे ये समझते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल जब होंगे, जब अगर हमारा को डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि ये है आपकी कैपिटल की पावर अल्फा है, लेवर की पावर वन माइनस अल्फा है, और हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं पांचवे चैप्टर में, इसको हम लोग स्मॉल सिग्मा से नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एम आर टी एस। एम आर टी एस क्या होता है? एम आर टी एस होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए, हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस और हेरल्ड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकते हैं, जब कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ये हो, y इज इक्वल टू k की पावर अल्फा, लेबर की पावर 1 माइनस अल्फा, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो परसेंटेज चेंज इन एमआरटीएस, और एमआरटीएस ये होता है, इसकी वैल्यू 1 आ जाए। अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू 1 आ गई, तो फिर हिग्स और हेरल्ड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इक्विवेलेंट हो जाए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इन व्हाट कंडीशन हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस एंड हेरल्ड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस विल बी इक्विवेलेंट, देन यू विल हैव टू से इफ इन द केस ऑफ कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज दिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1, इन दिस केस हिग्स क्लासिफिकेशन हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस एंड हेरल्ड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस विल बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर। And in this condition, distribution of national income, ये नोट कर लीजिएगा, in this case distribution of national income will be same for all level of capital labor ratio, यानी कि इस केस में फिर हमारा capital labor ratio के हर level पे distribution of national income रहेगा same। तो मैंने आपको embedded disembedded change बता दिया है technical progress का, मैंने आपको Hicks का classification बता दिया, मैंने आपको Herod का classification बता दिया। अब हम बात करते हैं सोलो के classification की। देखिए, सोलो ने
टेक्निकल चेंज के केस में कोई बड़ा तीर नहीं मारा, वो जबरदस्ती इसमें कूद गई। उन्होंने क्या करा, उनके अकॉर्डिंग सोलो का जो क्लासिफिकेशन है टेक्निकल चेंज का, वो हिक्स के जैसा ही है, वो हैरेड के जैसा ही है। तो उन्होंने क्या तीर मारा फिर, जब हिक्स के जैसा और हैरेड के जैसा ही है, तो उनके टेक्निकल चेंज का डिफरेंस क्या है इन दोनों से, देखो समझते हैं। हिक्स के अकॉर्डिंग न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता था, जब डीएस dt is equal to 0 होता था और s की वैल्यू होती थी r into k divided by wl। तो जब डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t 0 होता था, तो हिक्स का क्लासिफिकेशन क्या होता था, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस का। यानी हिक्स के अकॉर्डिंग अगर ds का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 0 हो गया तो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है ना। इन्होंने कैपिटल लेबर रेशियो को कांस्टेंट लिया, हैरन ने भी कोई बड़ा तीर मारा नहीं, हैरन ने भी एग्जैक्ट यही बात कही कि जब ds dt यानी डेरिवेटिव s विद रेस्पेक्ट टू t 0 होगा तो फिर ये न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होगा। बट इसने क्या करा, इसने तो कैपिटल लेबर रेशियो को कांस्टेंट लिया था, इन्होंने ले लिया कैपिटल आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट। अब इन्होंने भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा वो जोविंसन जी ने, इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी यही कहा कि भाई ये जो s है ना, इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी 0 होना चाहिए, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग भी न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हो गया। बट इन्होंने क्या हमारा, इनका तीर देखी, इन्होंने इसको लिया कैपिटल लेबर रेशियो को, इसको डिवाइड करा कैपिटल आउटपुट रेशियो से, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये आ गया एल अपॉन वाई। तो इन्होंने लेबर आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट मार दिया, ये इनका तीर है, ठीक है। अगर इन शॉर्ट अगर हम कहें ना, तो जो कुछ दिया था भाई हिक्स ने दिया था, इसने बस इसमें चेंज करा, अपना नाम दे दिया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी इसमें चेंज करा, अपना नाम दे दिया। अब एक और बात, अगर एग्जाम में ये आ गया कि हिक्स हैरेड और सोलो इन तीनों के न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस को कंपेयर करो तो क्या करोगे, देखो आप ये नोट कर लो भाई। तो देखो इन्हों की जो मतलब हमारे जो हिक्स जी हैं उनकी जो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है वो बेसिकली फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग है। कैसी है, फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग। और जो हमारे हैरेट जी हैं इनकी है लेबर ऑगमेंटिंग, और जो हमारी रोबिंसन जी हैं इनकी है कैपिटल ऑगमेंटिंग। तो यहां से हमारा टेक्निकल चेंज का मीनिंग, क्लासिफिकेशन और उसके काइंड सब खत्म हो गए। मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। देखो तीनों का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस का जो रिजल्ट है एक ही, डिफरेंस क्या है, हिक्स ने कैपिटल लेबर रेशियो को कांस्टेंट लिया, इन्होंने कैपिटल आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट लिया, इन्होंने लेबर आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट लिया, और इनकी न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग। फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग में लेबर ऑग्यूमेंटिंग भी हो सकती है और कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग भी हो सकती है। और जो हमारे हैरेट जी हैं इनकी न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है लेबर ऑग्यूमेंटिंग, और इनकी है कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग। तो हमारा जो टेक्निकल चेंज, टेक्निकल प्रोग्रेस का जो कंसेप्ट है वो यहीं पर हुआ खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।